ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में कोविड पर नियंत्रण हेतु डॉक्टर्स को प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित किया गया है। 3 महीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवा भी उपलब्ध है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से राज्य को PPE किट, N95 मास्क एवं वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बाहर से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में सर्वे टीम एक्टिव है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की डबलिंग रेट को भी काफ़ी नियंत्रित किया गया है। प्रदेश में डबलिंग रेट 45 दिन है। उत्तराखंड में पूरी टीम उत्साह एवं सतर्कता से कार्य कर रही है। राज्य में कोरोना के 68 पॉजिटिव केस थे, जिसमें से 46 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ओवरऑल उत्तराखंड की स्थिति काफ़ी अच्छी है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में और सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जल्द ही PPE किट, वेंटिलेटर, N95 मास्क एवं अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने हरिद्वार की CMO डॉक्टर सरोज नेथानी से भी कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव श्री नितेश झा, अपर सचिव डॉक्टर पंकज पांडे, निदेशक NHM श्री युगल किशोर पंत, DG स्वास्थ्य श्रीमती अमिता उप्रेती आदि उपस्थित थे। उत्तराखंड से प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो की रिपोर्ट।